तो साहिल आप तो बहुत फेमस यूट्यूबर हो गए हो बहुत सारी आपको रेफरेंसेस हैं क्योंकि आपने हाल ही में छोड़ा है ना इस्लाम शायद आई थिंक इयर्स हो गए आपको छोड़े हुए इस्लाम ऑलमोस्ट हाँ सो यू वर ऑलवेज आप जुड़े हुए थे इस्लाम से टिल यू लेफ्ट टिल यू स्टार्टेड तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे अभी इस, क्या मतलब स्टार्टेड व्हाट स्टार्टेड बॉदरिंग यू कि आपको ऐसा लगा कि ये चीज अब मुझे समझ में नहीं आ रही है एंड आई डोंट वांट टू फॉलो दिस ऐसे कौन सा आपको क्या वाकया हुआ आपके साथ जी जी पूजा जी, जी, जी सबसे पहले साथ. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जी. मौका दिया अपने चैनल पर जी. और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब प्रणाम सलाम सत श्रीकाल देखिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ अभी और कोई बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं हूँ एक आम इंसान हूँ सभी लोगों की तरह कई लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं पहले मुस्लिम था और काफ़ी हद तक मैं इस्लाम को प्रैक्टिस करता था पांच टाइम की नमाज़ भी पढ़ता था रोज़े रखता था और साथ ही साथ मैं दीन का दीन की दावत भी देता था डॉक्टर जाकिर नायक एम जो है उनका मैं फ़ैन था और जो डॉक्टर जाकिर नायक एम का फैन होगा या उनको पसंद होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके तरीक़े को अपनाने की कोशिश करेगा और लोगों में इस्लाम की दावत देने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके से मैं भी करता था जब मैं टीन में पहुँचा तब मेरा जो इंटरेस्ट है इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि इससे पहले जो है इतना इंटरेस्ट मेरा इस्लाम में नहीं था लेकिन उसके बावजूद चूंकि मेरा घर जो है वो थोड़ी रिलीजियस फैमिली थी तो हम नमाज नमाज पढ़ते थे घर वाले भी पढ़ते थे आज भी पढ़ते घर वाले और बाकायदा अगर समझो नमाज अगर छूट जाती कोई बचपन में तो घर वाले उस पर डांट भी देते ताकि नमाज की एक आदत लगी रहे और यही हाल होता है हर मुस्लिम फैमिली का जो थोड़ी बहुत रिलीजियस होती है उसमें भी अलग अलग तरीके के अ, लोग होते हैं मुसलमानों में भी मुसलमानों की अक्सरियत जो है अगर वो देखें आप तो वो नमाज़ नहीं पढ़ती है पाँचों टाइम की उसमें से अक्सर लोग जो है वो जुमा वाले होते हैं फ्राइडे वाले होते हैं और कुछ लोग जो है वो ईद वाले होते हैं सिर्फ ईद में नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईद में भी नमाज नहीं पढ़ते तो बहुत कम लोग जो है वो पाँच टाइम के नमाजी होते हैं मुसलमानों में और मैं उनमें से था मेरी फैमिली उनमें से थी अब जब मैं दीन की दावत देता था तभी चैट्स होते थे याहू चैट हो गया और औरकुट था और फिर कई सारे फोरम्स थे जहां पे मैं इस्लाम की दावत देता था तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इस्लाम की दावत देते हो और ख़ास करके आप गैर मुस्लिम में दावत देते हो हिंदूस को देते हो क्रिश्चियंस को देते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनको बताना पड़ता है कि इस्लाम जो है वो सबसे सुपीरियर है और इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो अल्लाह अल्लाह ताला या जो खाली के कायनात है हमारा खुदा है वो उसको एक्सेप्ट करता है उसके अलावा कोई चारा नहीं है अल्लाह क़ुरान में फ़रमाते हैं इन दीना इन इस्लाम यकीनन जो है वो अल्लाह के पास या अल्लाह अल्ला को जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है वे ऑफ लाइफ है वो इस्लाम है और अगर आप इस्लाम के अलावा अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया अल्लाह की वाहदानियत को कबूल नहीं किया तो को आपने नहीं माना और रसोल्ला की रिसालत को नहीं माना तो आप अगर इसी हाल में आप मर जाते हैं यानी कुफ्र के हाल में आप मर जाते हैं आप एक काफिर है और आपको मौत आ जाती है तो आप हमेशा 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 जहन्नम में जलेंगे बल्कि और अगर आप दूसरी साइड देखें तो जो मुसलमान होता है वो उसके दिल में अगर राय बराबर भी अगर ईमान है तो अच्छा। एक ना एक दिन जी एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा आप अच्छा। चाहे कितना भी गुनाह कर लो आप गुनहगार है आपने बड़े बड़े गुनाह किए लेकिन आपने तोबा कर ली उन गुनाहों की या फिर ऐसा भी होता है कि आपने तोबा नहीं भी की है लेकिन अगर अल्लाह सुबहाना तला को आपकी कोई एक अदा पसंद आ जाए तो हो सकता है आपको अल्लाह जहन्नम में डाले बगैर आपको जन्नत दे देगा तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है और मैं भी इसी को मानता था और मैं लोगों को दावत भी देता था तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को आपको कि जब आप किसी दूसरे मजहब वालों को इस्लाम की दावत देते हो और आप ये कहते हो कि इस्लाम ही सच्चा है तो कहीं ना कहीं आप उसको साबित करने की कोशिश करते हो या उसको बताते हो कि आप जिस मज़हब को मान रहे हो वो गलत है आपका तरीका गलत है तो अब होता ये है कि अगर आप किसी को इस्लाम यानी उसका मजहब अगर आप उसमें फॉल्ट दिखाओगे कि ये ये प्रॉब्लम है आपके मजहब में आपका मजहब भी यही कहता है एक खुदा की आपको पूजा करना है एक ईश्वर की पूजा करना है आ, फिर सिर्फ इतने पे नहीं रुकता ना आदमी कि भाई ठीक है चलो आप भी एक ईश्वर की इबादत करो इतने में नहीं रुकता इंसान फिर वो कहता है कि एक ईश्वर की इबादत तो करना है लेकिन वो एक ईश्वर जो है वो अल्लाह ही है और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह को आपको रसूल और नबी आखरी रसूल आखिरी नबी आपको मानना पड़ेगा तो जब आप ये चीजें बताते हो लोगों को तो बहुत से बार क्या होता है कि वो इंसान आपको आपके अंदर जो गलतियां है या जो कमियां है वो आपको बताता है तो मेरे सामने भी ऐसे ही होता था क्योंकि मैं फोरम्स में मोस्टली डिस्कशन करता था तो वो तो बहुत वास्ट होता है ओपन होता है तो उसमें कई सारी चीजें मेरे नज़र के सामने आती थी लेकिन चूंकि ईमान अगर किसी का बहुत ज्यादा मजबूत है तो ये सब चीजें आती है थोड़ा डाउट रहता है उसके बाद फिर वो ईमान जो है वो गलबा कर लेता है आपके ऊपर और फिर आप एक मोमिन ही रहते हो तो ये मामला तो चल ही रहा था और उसके साथ साथ जो है मैं पहले तबलीगी था जो जमात वमात में जाते हैं मैं एक ही बार जमात में गया हूँ लेकिन जमात का जो आ, सिस्टम था या जो तबलीगी या देवबंदी आप कह लीजिए जो फ़िरका है वो मुझे सही लगता था लेकिन आ, जब मैंने टीन में जब मैं कॉलेज में था तो मेरे सामने कई सारे जो सलफ़ी मौलाना है अहल हदीस मौलाना है जैसे शेख मिराज रब्बानी है शेख रहमान है इस तरीके के मौलानाओं के बयान जो है वो मुझे एक दोस्त देने लगा सी की शक्ल में तभी सी चलती थी तो वो मैं सुनने लगा और आ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो फिरका है फिर फिरका, ये ही अः फिर नाजिया कहते हैं उसको यानी जो सबसे सही वाला फिरका है तो मैं उसमें चला गया और उसके बाद फिर लोगों को यानी मुसलमानों को मैं एहदीस फिरके की तरफ लाने लगा और जो गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम की तरफ लाने लगा तो ये तो मामला चल ही रहा था मैं ऑफिस में जाता था मेरी यहाँ तक की दाढ़ी थी कोई एक स्ट्रीम में आप जी यहाँ तक की मेरी दाढ़ी थी अच्छा हाँ और ऐसा था कि मैंने जब दाढ़ी रखना स्टार्ट किया वो भी दाढ़ी मैं इसलिए रखा था इसलिए इन देंस दे मेरे अंदर ईमान वो तभी जागा था कि जब अच्छा। मैं बहस करने मौलानाओं के साथ जाता था दूसरे फ़िरके वालों के मेरे मामा जो थे मामा अभी भी तबलीगी है तो जब उनको पता चला कि मैं अहलेदीस हो गया हूँ तो वो तो मुझे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये फिर से तबलीगी हो जाए तो पहले से मैं थोड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा मतलब शार्पनेस था मेरे अंदर तो जो एरिया के जो लोग थे जो एहले हदीस मसलक से या फिर से बिलोंग करते थे वो मेरे ऊपर काफ़ी टिके हुए थे कि कोई अगर देवबंदी है कोई बरेलवी है अगर वो कहता है कि एहलेदीस गलत है गैर मुफ्लद है गुस्ताख है तो वो मुझे लेके जाते थे बात करने के लिए डिबेट करने के लिए मुनाजरा करने के लिए तो वो भी मैं करता था तो मामा मुझे तबलीगी मस्जिदों में लेके भी जाते थे कि भाई किसी तरीके से इसका डाउट क्लियर हो जाए और ये फिर से तबलीगी बन जाए तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि मैं एरिया से थोड़ा सा दूर यानी बाइक में समझिए आप दस मिनट का रास्ता है डायमंड बिल्डिंग है उधर उसके हाँ डायमंड बिल्डिंग फोर्टीन फ्लोर की या सिक्सटीन फ्लोर की बिल्डिंग है और वहाँ पे पूरे तबलीगी जमात वाले अक्सरियत में है तो उसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे तबलीगी मस्जिद थी और वहाँ पे जमात भी आती थी आ, बाहर से आ, यानी इंडोनेशिया से पकड़ लीजिए आप या गल्फ से अरब से भी जमातें आती थी तो वहाँ भी मेरे मामा जो है लेके जाते थे मुझे तो एक बार मैं वहाँ के आलिम साहब के पास मेरे मामा लेके गए और हमारी बहस शुरू हुई और मैंने काफ़ी सवाल उनके साथ किए और उन्होंने जो सवाला किए उसके मैंने जवाब दिए तो एक टाइम ऐसा आया कि वो मौलाना के पास जो है वो जवाब मेरे सवाल के नहीं थे तो वो सब एकदम मतलब थोड़े जज्बाती हो गए भड़क गए मेरे ऊपर तो उसमें एक मस्जिद के जो जिम्मेदार थे तालिब नाम है उनका वो मेरे ऊपर भड़क गए और वो मेरे को बोलने लगे कि यार तुम बहुत इस्लाम की बात करते हो बहुत यानी दीन दीन करते हो तो तुमने तो दाढ़ी भी नहीं रखी है तभी मैं क्लीन शेव रहता था अच्छा। कॉलेज के, अच्छा। के टाइम पे तो वो बात मुझे बहुत चुभी कि यार तो ये तो बात सही है कि मैं दीन की दावत भी दे रहा हूँ बातें भी कर रहा हूँ और मैंने तो जो एक मेन चीज है जो आपका अपियरेंस है जिससे आप एक मोमिन लगते हो और लगता है कि हाँ ये मुसलमान है तो वही मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ और लोगों को दावत दे रहा हूँ मैं तो तभी वो चीज मुझे चुभी और मैंने फिर दाढ़ी रखना स्टार्ट किया और जो अलहदीस मसलक है या फिर है उनके नज़दीक आप दाढ़ी कटवा नहीं सकते हो ओ अच्छा हाँ, आप बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं कटवा सकते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अपनी को पस्त करो या छोटी करो और दाढ़ी को जो है वो छोड़ दो तो इस हदीस पे एहदीस फिरका अमल करता है या उनके नज़दीक ये सही है तो जो एहदीस फिरके का होगा उनकी जल्दी आपको दाढ़ी वो शेप में नहीं करते हैं और पूरी बढ़ने देते जितनी बड़ी होती है बल्कि एक आ, स्पीकर हमारे मस्जिद में आते थे उनकी दाढ़ी कम से कम घुटने तक है ओ, तक हाँ, जी आप इसमें गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा तो मेरी अच्छा। दाढ़ी हाँ मे, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी दाढ़ी घुटने तक नहीं पहुंची थी लेकिन काफी घनी दाढ़ी थी मेरी और यहाँ तक तकरीबन मेरी दाढ़ी थी और कई लोग आ, आ, एरिया में मुझे देखकर तो फिर वो भी दाढ़ी okay, शुरू किए दाढ़ी दाढ़ी बढ़ाना शुरू किए वो लोग तो तो ये मामला तो चल ही रहा था फिर होता ये है कि बीच बीच में आपका जो ईमान है वो कम ज्यादा होते रहता है मतलब आ, मैं जो है वो कॉलेज में पढ़ा हु मैं कोई मदरसे से तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ तो कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ फिर मैंने जॉब्स की है कई तो मल्टी कल्चर में आप जब रहते हो तो आपके आस पास जो है लोग अलग अलग रिलीजन से होते हैं अलग अलग सोच के होते हैं तो कभी कभार जो है ईमान थोड़ा कच्चा हो जाता था तो मैं फिर बात बात में थोड़ा दाढ़ी ट्रिम करने लगा फिर थोड़ी थोड़ी हाँ करके हाँ। कभी कभी दाढ़ी एकदम कम हो जाती फिर ईमान जाग जाता तो फिर बढ़ा लेता तो ये मामला तो समझो चल ही रहा था अब मैंने जो ये जो दूसरे फ़िरके वाले हैं इनके साथ मैंने कई सारे डिस्कशंस की है चाहे मौलाना बोल लो आप या आम मुसलमान जिसको ये सब चीज़ में ये फ़न में नॉलेज होती है उनके साथ मैं डिस्कशंस भी करता था और एक साइड से तो ये कि जो मैं यानी मल्टी कल्चर में यानी ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पे फिर जैसे कि मैंने कई कई बार ये बताया भी है कि वहाँ पे इतना मतलब कट्टरता थी मेरे अंदर लोगों को मारने वाली कट्टरता नहीं काफिर मतलब जो है इनको आ, मार देना हाँ वैसी वाली कट्टरता नहीं एक ये कट्टरता कि भाई इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करना है तो जी तो फिर आ, कोई अगर ऑफिस में आ, कुछ आ, फेस्टिवल्स होते तो वहां पे मनाते थे लोग दीपावली हो गया या क्रिसमस हो गया या होली हो गया तो कोई प्रसाद भी लाके देता तो या तो मैं हाँ अब नई भी खाना है लेकिन मुझे बुरा भी लगता कि यार मतलब सामने वाला क्या सोचेगा उसके दिल को बुरा लगेगा तो बहुत से बार मैं क्या करता वो जब मुझे पता होता कि आज जो है वो दीपावली है या कुछ ऐसा त्योहार है तो जो मेरे कलीग्स है वो प्रसाद विषाद लाके देंगे तो मैं क्या करता मुझे देख लेता मैं दूर से कि ये बंदा जो है मेरी मेरे पास आने वाला है अभी मेरा नंबर आने वाला है तो उससे पहले मैं डेस्क छोड़ के अपना वहां से निकल जाता ताकि मैं मिलू ही नहीं और बिलीव oh. स... <laughs> <Can't believe. laughs> और और कभी अगर मैं तो वहां से नहीं जा पाता क्योंकि मैं क्लाइंट अकाउंट मैनेजर था कई सारे क्लाइंट्स बड़े बड़े क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए इन्फोसिस और इस तरीके से काफी क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए बड़े बड़े oh. तो अगर काम की वजह से मैं वहां नहीं निकल पाया और वो आ जाता तो मैं वो लेके प्रसाद रख लेता और उसके बाद वो प्रसाद या तो फेंक देता या किसी और को दे देता निकल के बाहर तो थोड़ा मेरे को अजीब लगता था कि यार ये मतलब सामने वाला जो है वो उसके दिल को खराब लगेगा उसके अलावा जो फेस्टिवल्स है तो छुट्टी छ्टी होती थी तो लोग आके विश करते थे हैप्पी दिवाली दिवाली या हैप्पी क्रिसमस तो अब 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 अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप विश भी नहीं कर सकते नहीं कर सकते हो आप अगर विश कर रहे हो हैप्पी दीपावली कह रहे हो या हैप्पी तो इसका एक ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं ओके हूँ इससे मतलब तुम मूर्ति पूजा भी कर रहे हो तुम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा भी मान रहे हो तो मैं इससे ओके हूँ तो उल्मा जो है खास करके एहदीस उलमा जो है वो खास करके उनके कई सारे बयान आपको मिल जाएंगे कि आप विश भी नहीं कर सकते हो आई नो आई नो जी अब अब लेकिन हमारा जब त्योहार होता ईद hmm. आती तो सुबह में उठो आप सो के hmm. hmm. तो कम से कम 25-30 लोगों के मैसेजेस ऑफिस वालों के कॉलेज आ, कॉलेज में तो खैर कोई नॉन मुस्लिम था नहीं मेरे आ, एक 15 20 लोग ही थे मेरे बैच में लेकिन जो मेरे ऑफिस वाले हैं या जो जानने वाले हिंदू है वो मुझे विश करते थे क्रिश्चियस भी विश करते थे लेकिन उनका त्योहार है मैं उनको विश भी नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये भी चीज मेरे को खटकती थी कि यार ये मतलब आ, क्या सोचेंगे ये लोग विश भी नहीं करता तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मेरे अंदर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था जैसी जैसी एज गुजरी गुजरी मेरी और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जितने मसलक वाले ये जितने फिरके वाले हैं मुझे तो चलो नॉलेज है कि मैं लॉजिकली सामने वाले को डील कर सकता हूँ कि भाई तो तुम देवबंदी हो तो तुम किस तरीके से गलत हो तो तुम बरेलवी हो तो किस तरीके से गलत हो लेकिन एक आम मुसलमान जो है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है वो अपने आलिम या जो भी फिरके जो फिरके को बिलोंग करता है वो उसका जो आलिम है वो उसकी बात मान के ही उसको सही समझता है फिरके को तो बाद में मेरे को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि भाई अ ये जितने भी मुसलमान हैं जितने फिरके वाले हैं चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो चाहे वो एहलेस ही क्यों ना हो जो रट लगाए रहते हैं कुरान कुरान सही, कुरान और सही को मानना है इनको खुद को भी नॉलेज नहीं है इनको खुद को भी कुछ पता नहीं है ये बस अपने उलमा के अपने फिरके की चक्कर में जो है ये लड़ाई कर रहे हैं बल्कि इतना इत, इतनी शिद्दत होती है अलग अलग फिरके वालों की कि वो बरेलवी जो है वो अपने आ, अप, अपने घर की जो लड़कियां है या जो लड़का है उसकी शादी वो गैर फिरके वालों से भी नहीं कराता है इतने कट्टर होते हैं कई सारे लोग तो मुझे लगने लगा कि यार त, अगर नॉर्मल अगर आप यानी एक आम इंसान मुसलमान को अगर आप देखें तो वो हर कोई अपनी जगह पे सही है उनको कुछ पता भी नहीं है तो फिरो से भी मेरा थोड़ा सा जो एह मसलक है उससे भी मेरा थोड़ा रुझान जो है वो कम होने लगा तो ये सब चीज साइमल्टेनियसली चल ही रही थी इसके अलावा मस्जिद में मैं जाता नमाज पढ़ने के लिए अभी जो मैं धारावी में रहता था तो वहां पे तकरीबन आस पास जो है छ सात मस्जिद है अब उसमें अजान हो तो पूरे खास करके जो मगरिब की अजान होती है उसका टाइमिंग ऑलमोस्ट सबका सेम होता है बाकी जो जैसा जोहर का टाइम है दोपहर का टाइम है या फिर फजर का टाइम है या फिर असर का टाइम है इसमें डिफरेंस आपको टाइमिंग का मिलेगा जो शाफई होते हैं या फिर जो एहदीस होते हैं उनके नजदीक नमाज का टाइमिंग बहुत पहले हो जाता है जो बेस्ट टाइमिंग है नमाज का और जो हनफी होते हैं खास करके जिसमें देवबंदी और बरेलवी दोनों आ जाते हैं तो वो थोड़ा ताखिर से पढ़ते हैं लेट से पढ़ते हैं तो अच्छा। खास करके जब मगरिब की अजान होती तो एक साथ सब जगह से बोंगे बजने लगते अजान के ये भी बड़ा अजीब लगता है यार ये क्या चीज है उसके बाद जो खास करके मेरे बिल्कुल घर के सामने यानी आ, मेरा जो बिल्डिंग में जो घर था उसके बिल्कुल सामने एक बरेलवी मस्जिद है शाफिक बरेलवी मस्जिद तो वहां पे वो बोंगे जो है वो इतने बड़े बड़े बोंगे वो लोग लगा के रखे हैं और उसमें वो लोग आजान और सुबह फजर के टाइम पे आजान पांच साढ़े पाँच पौने पांच बजे इतनी ज़ोर ज़ोर से अजान देना सुबह के वक्त और उसके बाद फिर सिर्फ अजान ही नहीं उसके पहले दरुद उसके बाद दुआ फिर नमाज के बाद फिर सलातो सलाम और ऐसे मतलब बेढंगे मुआज़िन को रखते थे जिनकी बिल्कुल आवाज़ जो है एकदम फटी हुई आवाज़ तो वो जो, हाँ ज़ोर ज़ोर से अजान देना तो मेरे को बहुत चिड़ाती थी मेरे को बहुत चिड़ाती थी कि यार ये क्या मुसीबत है यार मतलब ठीक है तुमको जो फॉलो करना है तुमको तुम्हारे नज़दीक दरूदोसम और अजान से पहले दरूद या अजान के बाद दरूद है तो वो तुम अपना अंदर पढ़ो ना तुमको तो बोंगे में चालू करने की क्या जरूरत है लोगों को क्यों सुनाना है अल्लाह तो सुनता है ना भाई अल्लाह तो सुनता है अल्लाह हर चीज सुनता है चीटी की बात सुन लेता है जो भी है तो भाई तुम इस तरीके से लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो तो ये भी चीज़ थी उसके बाद फिर मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता खास करके जो जुमा की नमाज थी तो वो मस्जिद फुल हो जाती है जुमा की नमाज में तो मैं अक्सर जो है वो टेरेस वेरेस पे उसके नमाज पढ़ता तो वहाँ पे कंपटीशन चालू है यानी आप नमाज में खड़े हो यहाँ पे इमाम साहब जो है अलहमदीर बाजू की मस्जिद से जोर जोर से ये वहाँ भी ऐसे होते हैं ये गुस्ताखे रसूल है ये ये है फिर वहां से देवबंदी की मस्जिद है वहां पे खुदबा अलग चालू है यानी आप जो तो, तो है नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हाँ। तो वो भी मेरे को बहुत चिढ़ाती थी मैं बोला ये क्या मुसीबत है यार सुकून से आदमी नमाज भी नहीं पढ़ सकता है जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा आदमी तो ये सब चीजें भी मेरे अंदर जो है चल रही थी लेकिन हाँ। फिर भी मैं मुसलमान था फिर उसके बाद फिर जब ये आया अपना क्या नाम है लॉकडाउन जब लगा कोरोना तो हाँ कोरोना जब आया कोविड जब आया तो आ, उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास कुछ काम धंधा था नहीं हम भी फ्री बैठे थे घर से बाहर निकलना नहीं है तो थोड़ा फिर से जब किया मैंने बयान बयान सुनने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई जो कि पहले भी आ चुकी थी लेकिन उतना मैंने उसमें डिटेल में या उसको इतना मैंने दिल पे नहीं लिया था तो उसमें कई सारी चीजें मेरे सामने आई जो मुझे बहुत चुभने लगी फिर जैसे हज़रत आयशा की जो शादी है रसूलुल्लाह के साथ वो वो बहुत मेरे को चुपने लगी कि जो तो सारी इंसानियत के लिए जिनको रोल मॉडल बना के भेजा गया है वो पचपन साल की उम्र में नौ साल की जो बच्ची है उनके साथ हम बिस्तरी कैसे कर सकते ये तो एक रोल मॉडल नहीं कर सकता है कर तो ये चीज थी फिर सेक्स लेवरी के आ, से रिलेटेड मेरे जहन में ख्याल आने लगा कि भाई तो यानी किसी कॉम को या किसी कॉम की जो औरतें हैं उनको आप कैसे स्लेव्स बना सकते हो फिर उनके साथ आप आ, आ, सेक्स भी कर सकते हो उसको बेच भी सकते हो <laughs> सॉरी तो ये भी मुझे बहुत बेचैन करने लगा अंदर से कि ये कैसे सही हो सकता है उसके बाद फिर हिदायत और गुमराही वाला जो कॉन्सेप्ट था अल्लाह हिदायत देता है अल्लाह गुमराह करता है ये ये भी मुझे एकदम यानी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था कि अल्लाह ही अगर हिदायत देता है अल्लाह okay. ही गुमराह करता है तो फिर इंसानों की क्या गलती है अल्लाह okay. का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही नहीं चाहिए अब बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह उसी को गुमराह करता है जो फासिक होते हैं जो ये होते हैं वो तो भाई एक इंसान अगर फासिक है तो वो ऑलरेडी गुमराह है उसको अल्लाह एक्स्ट्रा क्या गुमराह कर रहे है अल्लाह का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए तो सही बात उसके बाद हाँ उसके बाद फिर अल्लाह ये भी कहता है कि अल्लाह जो है इनके दिलों में मर्ज है यानी बीमारी है जो काफिर है इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह जो है इनके मर्ज को बढ़ा देता है अच्छा तो मैं बोला यार एक, एक इंसान ऑलरेडी गुमराही में है अल्लाह उसकी गुमराही और क्यों बढ़ा रहा है जितना गुमराह है उतना रहने दो ना आप एक जगह पे तो कुरान में ये कहता है अल्लाह के आप जर्रा बराबर भी अगर नेकी करोगे तो उसका भी बदला मिलेगा और जर्रा बराबर आप गुनाह करोगे गलत काम करोगे तो उसका भी बदला आपको अल्लाह देगा तो जितना इंसान ने गलत काम किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए उसको उतना ही गुमराह रहने देना चाहिए अल्लाह मज़ीद उसको जो है गुमराह कर रहा है उनके आंखों पे पट्टी बांध के रखा है दिलों में मोहर लगा के रखा है सुमन बुकमन उमयन इस तरीके से सूर्य बकरा में आयत है कि अल्लाह ने उनके जो देखना है या सुनना है इस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है जी। तो ये सब चीज़ें को काफ़ी गलत लगने लगी तो और मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस्लाम से और ये फिरकों की वजह से और जो माहौल चल रहा था मुसलमानों को लेके वो सबसे कम होते जा रहा था तो बिल हाँ। आखिर मैंने ये फिर डिसाइड किया कि भाई हालांकि आप यकीन नहीं मानेगी मैं इतनी दुआएं मांगता था अल्लाह से एक दुआ खास करके ये ज़रूर मांगता मैं और हर बार सोने से पहले ये दुआ मांगता कि अल्लाह मुझे मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और मैं जब भी जिंदा रहूं यानी मौत तक मुझे इस्लाम पे रख और जब मैं मरू तो मेरा खात्मा जो है वो ईमान पर हो इतनी आगे दुआ, दुआ अल्लाह से मांगता था कि मैं नापाकी के हालत में ना मरू मैं आ, कुफर में मेरी मौत ना हो इतनी दुआ अल्लाह से मांगता था तो लेकिन बिल ये सब चीज़ जब मैंने देखा तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार इसमें आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो पांच टाइम की नमाज है आप ऑफिस जाते हो वहां आप आपको ऑफिस में काम पे क्यों रखा गया है आप कंपनी के काम के लिए जा रहे हो वहाँ पे आप जो है पांच टाइम की नमाज जाके पढ़ रहे हो फिर हाँ। आपके मैनेजर्स भी चिढ़ते हैं कि यार हाँ। ये काम करने आता है ये इबादत करने आता है नमाज पढ़ने आता है तो आप आप मतलब बाद में मेरे को समझ आने लगा कि यार ये तो सिर्फ हम अपना वक्त इसमें जाया कर रहे है पांच टाइम की नमाज रोजा ये ना वो तो मैं बोला यार तो नहीं ये ये जो है ये रिलीजन जो है ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता और इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है और इसमें कोई इंसानियत नहीं है फिर उसके बाद मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की उसके बाद मज़ीद जब मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया तो उसमें कई सारी चीज़ें मुझे आ, मिलने लगी जो बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है बिल्कुल गलत है और मतलब मैंने चैनल ओपन किया पहले छुप के करता था मैं आप सभी लोगों को पता है मैंने फेस अपना रिवील नहीं किया था लेकिन जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होने लगा तो तो जो मेरे दोस्त थे उनको पता चल गया कि ये यही बंदा है क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मेरा कोई इरादा नहीं था चैनल बिनल ओपन करने का तो मैं कुछ ऐसी हदीसें जो है वो स्टेटस पे रखने लगा व्हाट्सएप स्टेटस पे कि एक हदीस मैंने ये रखा कि भाई जो बनु कुरेजा में का जो वाक़ हुआ था उसमें जो रावी है रिवायत करते हैं सहाबी वो कहते हैं कि बनू कुरेजा के वक्त जो है जो बच्चे थे यानी जिसमें ये फर्क नहीं कर पा रहे थे कि ये बालिक है या छोटे बच्चे हैं क्योंकि फैसला उनको ये मिला था कि जो बालिक है उनको जो मर्द है उनको कत्ल किया जाएगा और जो औरतें हैं उनको अः बनाया जाएगा तो जहा पे डाउट है कि भाई ये बच्चा जो है वो बुलूगत बुलू तक पहुंचा या नहीं पहुँचा बड़ा हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए उन्होंने जो उस उम्र के जो बच्चे थे उनकी उ, उनके कपड़े उतार के चेक किए उन्होंने कि भाई इनको प्यूबिक हेयर आया है या नहीं आया है तो ये इस तरीके की हदीसे जब मैंने स्टेटस पे रखने लगा तो यार बहुत सारे लोग जो है वो स्टेटस मेरा देखते थे तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है तो और तभी जो है कुछ मेरे स्टेटस को देखकर जो मेरे ग्रुप के जो लोग थे जो मुनाजरा करते थे डिबेट्स करते थे आ, दावत का काम करते वो लोग तो उन्होंने एक इस्लामिक स्पीकर जो है स्पीकर है वो उनको मेरे फॉरवर्ड्स के स्टेटस उनको बोला कि यार ये बंदे को शायद कुछ हो गया है आप इनसे बात करो तो उन्होंने मुझे फिर कॉन्टेक्ट किया क्योंकि वो जो बंदे है वो उनका एक बाकायदा पूरा ही इज एन ओनर ऑफ द टी चैनल इस्लामिक टी वी चैनल ओके okay. और एक चीज़ मैं और एक बता दूं कि मैं इतना दावत का काम करता था कि धारावी में एक बार हम लोगों ने रोड पर बयान रखे उसमें भी कंपटीशन चलता था यानी बरेलवी जो है वो अपने उलमा को बुला के बयान रखते थे कि ये वहाँ भी ऐसे है ये ऐसे है और हम लोग जो है एल वाले वो अपना बयान रखने की कोशिश करते स्टेज पे कि हमारी दावत लोगों तक पहुँचे कि कुरान और सुन्नत ही सही है और कुरान और सुन्नत पे ही एक इंसान को चलना है तो एक मौका ये आया कि हमने वहाँ पे रोड पे एक प्रोग्राम रखा और उसमें कई जो हैं उनको दावत दी और उसमें बयान करने वालों में से मैं खुद भी एक था जो अल्लाह का तारुफ जो मौजू था सब्जेक्ट था उस पर मैंने रोड पे यानी स्टेज पे मैंने बयान किया और सुनने वाले की तादाद तकरीबन मेरे ख्याल से अंदाज़ा नौ दस हजार की होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है तो आप सोचिए अगर किसी को चेक करना है तो मेरे एरिया में एल मस्जिद जो है वहाँ पे जाके चेक कर सकते कि ये सब मामला हुआ है या नहीं हुआ है तो मतलब मैं काफी एरिया में फेमस था नामचीन बंदा था कि भाई ये बंदा जो है इसको अच्छी खासी नॉलेज है ये सब चीजों में और ये जाके बात करता है तो, आ, तो वो जो आ, जो स्पीकर है इस्लामिक स्पीकर जिनकी अभी मैंने बात किया उनके जरिए से मैं दूसरी जगह पे जाकर अंधेरी हो गया या कोई और जगह वहां जाके मैं वहां भी घर पे भी जाके बयान करता था तो ओ, उन्होंने मेरे से बात किया कि भाई ऐसा क्या हो गया तुम तो दावत का काम करते थे तुम तो इतने परहेजगार थे या जो भी थे आ, तो मैंने बोला कि हाँ मेरे डाउट्स है कुछ ये मामले में तो हमारी सेक्स लेवरी के ऊपर तकरीबन कॉल पे एक एक घंटे का हमने टाइम फिक्स किया था पचास मिनट या एक घंटा कि हम बात करेंगे और वो मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे हमने पाँच तकरीबन छः सात घंटा मैंने उनके साथ डिस्कशन किया सेक्स लेवरी के ऊपर और वो बाकायदा रिकॉर्डिंग्स मेरे जी ड्राइव पर मौजूद है उनके पास भी कई सारे सवालों का जवाब नहीं था उन्होंने बोला कि मैं फिर कोई दूसरे जो इसमें जिसकी एक्सपर्टीज़ है उनसे मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ ये सवालों के जवाब देने के लिए तो ये सब उनसे भी बात हुई फिर मेरे मामा ने जो है वो एक देवबंदी आलिम साहब को भी घर पे लेके आए कि भाई किसी तरीके से ये फिर से मुसलमान हो जाए तो उनसे मेरी तकरीबन पाँच घंटा बात हुई वो भी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा था वो भी मेरे जी ड्राइव पे जी डाई पे मौजूद है तो उन्होंने अपने साइड से कोशिश की मैंने अपने साइड से कोशिश की कि मेरे सवालों के जवाब मिल जाए मैंने कई सारे के ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बयान सुने जो मेरे डाउट्स थे लेकिन कहीं पे भी मुझे तसली बख्श जवाब नहीं मिला और मैंने फ़ैसला किया उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल ओपन किया फिर मेरी आइडेंटिटी लीक हुई उसके बाद फिर सबको पता है कि क्या हुआ है